आपकी आवाज। साउथ इसराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती, टैंकों के साथ आदेश के इंतजार में सेना। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला का इसराइल पर हमला जारी। हिजबुल्ला ने एक इसराइली टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। लेबनान ने 12 घंटे में 9 बार मिसाइल से किया हमला। कई एंटी टैंक मिसाइलें दागी, 4 मिसाइल को IDF ने तबाह किया। इसराइली सेना ने जवाब में हिजबुल्ला के कई ठिकानों ध्वस्त किए। उन्हें टैंक फायर से आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इसराइल में 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड मोहम्मद डेइफ इसराइल ने जारी किया वीडियो। इसराइल से शहरों में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने कहर ढाया। कार के डैश कैम और CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुए हमले। इसराइल हमास जंग का 13वां दिन आज। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,000 लोगों की मौत। हमास के हमले में इसराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत, जबकि इसराइली कार्रवाई में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। जंग के बीच इसराइल दौरे पर ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक टेल अवीव एयरपोर्ट पर लैंड किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया। कहा हमास के बर्बर हमले को लेकर इंसाफ होगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। कहा हमास ने मासूमों की गर्दन काटी, उन्हें जिंदा जलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को दी क्लीन चिट। कहा गाजा के अस्पताल में 500 लोगों की मौत में इसराइल का हाथ नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन ने माना अस्पताल पर हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ। $100 मिलियन की मानवीय मदद का ऐलान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा इसराइल गाजा में मानवीय मदद के लिए रास्ता देने को तैयार। हमास निर्दोष नागरिकों का मानव ढाल के रूप में कर रहा इस्तेमाल। गाजा के अस्पताल पर बमबारी को लेकर अमेरिकी संसद के सांसद रशीदा तलीब का बाइडेन पर निशाना। कहा हम याद रखेंगे आप कहां खड़े थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र में अब हमास पर कार्रवाई की तैयारी। इसराइल हमास के खिलाफ UN में देगा सबूत। इसराइल ने गाजा के अस्पताल पर हमले के आरोप को झूठा बताया। इसराइली विदेश मंत्री ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देंगे सबूत। लेबनान के बेरूत में हमास के समर्थन में प्रदर्शन। US एम्बेसी के पास सुरक्षा बलों के साथ झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन समर्थन संगठनों का प्रदर्शन। गाजा के अस्पताल पर अटैक का विरोध। वॉशिंगटन DC में भी फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। US कैपिटल में घुसकर कब्जा किया, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। टर्की में गाजा के अस्पताल अटैक को लेकर प्रदर्शन। इस्तांबुल में इजरायली और अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे लोग। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद रामल्ला में विरोध प्रदर्शन जारी। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। इसराइल हमास लड़ाई पर शरद पवार के बाद असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा का जवाब। कहा लगता है शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने गाजा भेजेंगे। हमास पर शरद पवार के बयान पर प्रहलाद पटेल का जवाब, मुझे शरद पवार के बयान पर आपत्ति होनी चाहिए, निंदा। संजय राउत ने हमास से की BJP की तुलना। कहा CM हिमंता जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं। CM बघेल का बयान, BJP के लोग हमें बता रहे ATM, असम के CM तो विधायक खरीदने में माहिर। CM हिमंता पर सुप्रिया सुले का पलटवार। कहा उनके बयान से हैरानी, BJP महिलाओं का करती है अपमान। NCP नेता जितेंद्र आहवाड़ ने कहा हिमंता को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए BJP इसराइल के साथ। जितेंद्र आहवाड़ ने CM हिमंता को बताया भगोड़ा। कहा केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए कांग्रेस छोड़ BJP ज्वाइन की। संजय राउत ने कहा BJP को इसराइल से मिली EVM टेम्पर और पेगासस तकनीक, इसीलिए दिया समर्थन। गाजा में अस्पताल पर हमले की कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने की निंदा। कहा फिलिस्तीन में आतंकवाद के नाम पर निर्दोष की हत्या। CM हिमंता के बयान पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा फिलिस्तीन में मानवीय संकट, BJP उसका उठाना चाह रही फायदा। इसराइल हमास जंग पर मायावती की एक्सपोस्ट। PM मोदी ने कहा था ये युद्ध का समय नहीं, गाजा को लेकर भी इसी स्टैंड पर भारत रहे। दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मोहसिन तकवी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। कहा इसराइल सारे फसाद की जड़। मध्य प्रदेश में BJP का चुनाव प्रचार तेज। भोपाल में CM शिवराज ने हाईटेक कैंपेन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। CM शिवराज का कांग्रेस पर अटैक। कहा हम जनता को जाकर बता रहे अपने काम, कुछ लोग शमशान घाट में करवा रहे तांत्रिक क्रियाएं। CM शिवराज सिंह की पत्नी और बेटे ने संभाली प्रचार की कमान। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे CM शिवराज के लिए प्रचार। CM शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जीत का दावा। कहा कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम मस्ताल अगर कुछ दिन गलियों में घूमेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को चुनौती दी। कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो मेरे आरोपों का दे जवाब। तेलंगाना के भूपालपल्ली में जुटे कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी की विजयी भेरी यात्रा में शामिल हुए। तेलंगाना के भोपाल
पल्ली में कांग्रेस की बाइक रैली, राहुल गांधी ने हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना रैली में राहुल गांधी ने कहा, यहां राजा और प्रजा के बीच लड़ाई, सीएम केसीआर हारने वाले हैं चुनाव। राहुल गांधी का केसीआर पर बड़ा आरोप, देश के सबसे ज्यादा करप्शन तेलंगाना में कहने की है कही बात, यहां सरकार पर एक ही परिवार का पूरा कंट्रोल। बीआरएस नेता के कविता का राहुल गांधी को जवाब, स्क्रिप्ट राइटर राहुल को कर रहे गुमराह, प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना नंबर वन। बीआरएस एमएलसी के कविता का प्रियंका गांधी पर परिवारवाद को लेकर तंज, वंशवली याद दिलाते हुए कहा, शीशे के घरों के लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता के लक्ष्मण का पलटवार, कहा बीजेपी से घबराए राहुल गांधी, तेलंगाना में बीजेपी मजबूत। तेलंगाना में बीजेपी के सीएम फेस पर बोले के लक्ष्मण, हमारे पास पीएम मोदी जैसा ब्रह्मास्त्र। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में राजस्थान के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट पर मुहर लगी, सूत्रों के मुताबिक 130 सीटों पर हुआ फैसला। राजस्थान के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आलाकमान को दी चेतावनी, मुसलमानों का टिकट काटने की ना सोचें कहा। रफीक खान ने साथी विधायक अमीन कागजी को दिया दिलासा, कहा चुनाव लड़ेंगे तो दोनों साथ लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जेपी नड्डा पर निशाना, कहा जेपी नड्डा के पास कांग्रेस पर आरोप लगाने के सिवा कुछ भी नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल और टैक्स को लेकर घेरा, कहा 9 साल हो गए, अच्छे दिन का क्या हुआ। राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर, ईआरसीपी को बीजेपी करेगी लागू। राजस्थान में बीजेपी ने जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान का वीडियो शेयर किया, अमीन कागजी के टिकट को लेकर आलाकमान को दे रहे हैं चुनौती। वायरल वीडियो पर कांग्रेस एमएलए रफीक खान की सफाई, कहा मैं पार्टी का सच्चा सिपाही, अपने काम से जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई, 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एमएलए ब्रजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस के पास ऐसा कोई विधायक नहीं जिसे दोबारा बनाया जा सके उम्मीदवार। जयराम रमेश की एक्सपोस्ट, लिखा अडानी की कंपनियों ने सेबी नियमों का उल्लंघन किया, ओसीसी आरपी को मिले सबूत। बीजेपी ने एक्सपोस्ट में शेयर किया वीडियो, लिखा कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के प्रोपेगेंडा के साथ। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया अलायंस पर अटैक, कहा वो सब परिवारवादी दल हैं, सब भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। एग्रीकल्चरल रोड मैप पर बोले डेप्यूटी सीएम तेजस्वी, बिहार में बड़ा कृषि उत्पादन, बीजेपी केवल भ्रम फैलाने में लगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की पहली लिस्ट, 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ 2 दिन के विधानसभा सेशन को लेकर की चर्चा। मुंबई में शरद पवार की लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, पार्टी दफ्तर में जुटे शरद गुट के नेता। फडणवीस के घर कार्यकर्ताओं के साथ झड़प पर पुलिस का बयान, कहा मामले को बड़ा चढ़ाकर किया जा रहा पेश, संजय राउत ने शेयर किया था वीडियो। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, कोर्ट ने 22 नवंबर तक स्थगित की सुनवाई। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का आज करेंगे उद्घाटन, शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा शुभारंभ। भारतीय सेना के अधिकारियों ने टरकॉम का किया दौरा, जापानी सेना के अधिकारियों से इंडो पैसिफिक पर की गई चर्चा। मिर्जापुर के विध्यांचल धाम में भक्तों की भारी भीड़, नवरात्र के 5वें दिन लोगों ने मां विध्यंसवासिनी की पूजा अर्चना की। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में देवी के 5वें रूप की पूजा, मंदिर में की गई आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, नवरात्र के 5वें दिन भजन कीर्तन के साथ की गई आरती। मुंबई के मुबरा देवी में सुबह सुबह की गई माता की आरती, दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की कतारें, नवरात्र के 5वें दिन माता की पूजा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में देवी दुर्गा मल्लेश्वरी को नोटों से सजाया गया, 30 लाख रुपए के नोटों से मूर्ति की सजावट। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्र पर गरबा नाइट्स का आयोजन, भारी संख्या महिला पुरुष गरबा के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरत के सरसाणा में गरबा की धूम, गाने की धुन पर गरबा में झूमते नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश पहुंची सूरत, नवरात्रि में की आरती में हुई शामिल, महिलाओं के साथ खेला गरबा। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा दुर्गा पूजा, माता के दर्शन करने भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त। केरल हाउस की थीम पर बनाया गया पंडाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कनककेश्वरी गरबा ग्राउंड पहुंचे, लोगों के बीच बीजेपी नेता ने भक्ति गीत गाया, कैलाश विजयवर्गीय की गीत पर लोग झूमते नजर आए। प्रयागराज में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, भारी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घंटाघर के पास हनुमान चालीसा पाठ, स्वामी गोविंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में कार्यक्रम। गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन, हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस का चेकिंग ऑपरेशन, स्पा और मसाज पार्लर के लिए तलाशी। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 4 ड्रग्स तस्करों को अरेस्ट किया, 86 ऑयल में करीब 119 ग्राम हेरोइन और कैश बरामद। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर बाजार में लगी आग, एक फर्नीचर शोरूम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला में नवरात्र मेले में फंसा झूला, पुलिस ने झूले को बंद कराया।
बॉक्स खराब होने की वजह से फंसा झूला। घटना के दौरान झूले पर कई लोग थे सवार। लोगों की मदद से सभी को नीचे उतारा गया। उड़ीसा के मयूरभंज में 2 पुलिस के जवान गिरफ्तार किए गए। पुलिस वालों पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। त्रिची एयरपोर्ट पर 717 ग्राम सोना जब्त हुआ। कुआलालंपुर से लाया जा रहा था गोल्ड। कैप्सूल में भरकर लाया जा रहा था सोने का पेस्ट। पश्चिम बंगाल के IIT खड़गपुर में 4th ईयर के छात्र ने सुसाइड किया। प्रोजेक्ट को लेकर था परेशान, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण में मिली राहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 के करीब दर्ज किया गया। सूरत में महज 4 दिन के नवजात ने अंगदान किया। ब्रेन डेड होने के बाद 2 किडनी, लीवर और आंख दान कर 6 बच्चों को नया जीवन दिया। सरकार ने नूह का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाया। गेहूं के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। किसानों को 2,275 रुपए प्रति क्विंटल में के MSP पर मिलेगा गेहूं। सरकार ने गेहूं के अलावा रबी की 5 फसलों के लिए MSP बढ़ाई। जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के समर्थन में मूल्यों में की गई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। 31 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ाया। इस दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती खपत की वजह से लिया गया फैसला। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक उद्घाटन करेंगे। CM प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा एथलीट्स के वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार। गोवा के CM ने राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज किया। कहा, राष्ट्रीय खेल वन नेशन वन स्पिरिट पर है आधारित।